What are the different procedures or what are the different types of methods by means of which we can summon all the different superior qualities in one plant? जैसे कि हमने आपको बताया, प्लांट ब्रीडिंग जो है इसका बेसिक एक इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद यह होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सुपीरियर क्वालिटीज है, जैसे कि हाई यील्ड कैरेक्टर, देन डिसीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर, साथ ही साथ न्यूट्रिशन रिच वो स्पेसिस होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी सुपीरियर क्वालिटीज है, ऐसे सुपीरियर क्वालिटीज एक ही प्लांट में लेकर आना। और ये किस प्रोसीजर के द्वारा संभव हो सकता है? इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग के हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के हम आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स बताने जा रहे हैं। जैसे कि नंबर वन, प्रोसीजर्स का मतलब ये है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स बाय मीन्स ऑफ विच प्लांट ब्रीडिंग इज कैरिड आउट। प्लांट ब्रीडिंग किस तरह से की जाती है? ओके, सीयर, सो कलेक्शन सबसे पहला होगा, दैट इज द ओके सिलेक्शन, ओके सिलेक्शनल ब्रीडिंग, देन इंट्रोडक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, ओके जिसे हम ब्रीडिंग कहेंगे, देन म्यूटेशनल ब्रीडिंग, पॉलीप्लॉइडी, ओके और भी कई सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिसकी वजह से जो है हम दो डिफरेंट वैरायटीज को, दो डिफरेंट स्पेशीज को, जो कैरेक्टर उनमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं उन्हें हम एक स्पेशीज में ला सकते हैं। तो सिलेक्शन ब्रीडिंग जो होती है, जो सिलेक्शन ब्रीडिंग होता है, इट इज द नेचुरल प्रोसेस, ओके जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेशीज है उसे नेचुरली ग्रो किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लॉट में, एरिया में, और करने के बाद उनमें जो पॉलिनेशन की उनमें जो स्टेप्स होती है, जो टाइप होता है, वो उस तरह का पॉलिनेशन उनमें नेचुरली होने दिया जाता है। और फिर होने के बाद वहां पर जितने भी फूड क्रॉप्स आए हैं, जितने भी फूड क्रॉप्स में सीड्स आए हैं, उन सभी सीड्स को कलेक्ट कर उसे हम और उसे नेक्स्ट उसे हम सोइंग करते हैं। और सोइंग करने के बाद इस ब्रीडिंग के बाद जो भी क्वालिटीज उस नेक्स्ट जनरेशन में आई है उसे देखा जाता है, और वो क्वालिटीज जो है उनमें जो सुपीरियर क्वालिटीज, डिफरेंट डिफरेंट सुपीरियर क्वालिटीज जो एक ही प्लांट में पाई जाती है, ऐसे प्लांट को सेलेक्ट किया जाता है, बाकी सारों को रिजेक्ट किया जाता है, और ऐसे प्लांट के सीड सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें सुपीरियर क्वालिटीज होते हैं, फिर से इन्हें जो है सोइंग की जाती है, ओके इन्हें फिर से क्या की जाती है, सोइंग की जाती है, और फिर उनमें जो सुपीरियर क्वालिटीज, हमारे जो सुपीरियर क्वालिटीज है जिसका एम है, ओके तो वो सारे सुपीरियर क्वालिटीज वाले प्लांट्स के सीड्स फिर से कलेक्ट किए जाते हैं, और फिर उसे हम सिलेक्शन ब्रीडिंग कहेंगे। मिस इस बार हमेशा यहाँ पर सीड सोइंग कर उनमें जो नेचुरली जो पॉलिनेशन होता है वो होने दिया जाता है, और फिर जो सीड्स है उसे कलेक्ट करते हमेशा हर जनरेशन के बाद उसके जो सीड्स होते हैं उसे कलेक्ट किया जाता है और अगेन सोइंग की जाती है, और उस जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जो है सुपीरियर क्वालिटीज जो है उसे एनालाइज किया जाता है। तो इसे हम सिलेक्शन ब्रीडिंग कहते हैं। ये बहुत ही, दैट इज द सिलेक्शन ब्रीडिंग, इट इज द ओल्ड प्रोसीजर, और ये जो है बहुत समय लग जाता है इस सिलेक्शन प्रोसीजर को करते करते। देन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इट इज द एक्सोटिक स्पीशीज व्हेन दे आर ग्रोइंग अंडर सुपरविजन इन अवर एरिया, दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। बाहर के जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है, वो जो वैरायटीज है जिस एटमॉस्फेयर में वो बाहर किसी और कंट्रीज में ग्रो होते हैं, वो अगर हम उस स्पीशीज को हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल का जो भी टाइप है, उसमें जब हम उसे यहाँ पर ग्रो करना चाहते हैं,
तब उस समय सारी चीजों को देखते हुए उस प्लांट को हमारे यहाँ एग्रीकल्चर फील्ड में उसे उतारा जाता है, तो इसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन। ओके, ग्रोइंग द एग्जोटिक स्पेशीज इन आवर एरिया, ओके, अंडर सुपरविजन, तो उसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन। इस हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है मेंडेलिज्म में। हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट वराइटीज विद द सुपीरियर क्वालिटीज और टू डिफरेंट स्पेशीज, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग। म्यूटेशन इस टेक्निक का इस्तेमाल कर प्लांट में जो सुपीरियर क्वालिटीज है, वो सुपीरियर क्वालिटीज जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, उसे हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं। ओके, वायरस रेजिस्टेंस मूंग बीन, ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है, उसे हम आगे जाकर देखने वाले हैं। पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन्स द प्लॉइडी इंक्रीज इन साइड द प्लांट, दैट मे बी दिस पॉलीप्लॉइडी कैन बी इंक्रीज बाई यूजिंग द पॉलीप्लॉइड एजेंट। ओके, या फिर ये जो है कोल्चिसिन नाम का जो एक केमिकल होता है जिसे हम स्पिंडल पॉइजन कहते हैं, इस केमिकल का इस्तेमाल पॉलीप्लॉइडी इरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है, इस पॉलीप्लॉइडी की वजह से जो दो डिफरेंट सेल या फिर दो डिफरेंट स्पेशीज के जो जीनोम है उन दोनों को मिक्स किया जाता है। इसमें ऑटो पॉलीप्लॉइडी या फिर अलो पॉलीप्लॉइडी, ये प्रोसीजर की जा सकती है। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो आजकल बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है। किसी भी प्लांट में अगर कोई जीन, फॉरेन जीन, चाहे वो प्लांट का हो, एनिमल का हो, या फिर वो किसी बैक्टीरिया का हो, तो उस जीन को हम प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस प्रोसीजर के द्वारा हम एक प्लांट के, एक एनिमल के या फिर माइक्रोब्स के जीन जो है वो प्लांट्स में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दैट इज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, इसे हम जेनेटिक मॉनिपुलेशन भी कहते हैं। ओके, मीन्स इसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि बीटी कॉटन। ओके, बीटी कॉटन, इट इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जिसमें बीटी जीन जो होता है वो बैक्टीरिया से प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया फॉरेन जीन है, बैक्टीरिया का जीन है। देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। दो डिफरेंट स्पेशीज होंगे या वराइटीज होंगे, या फिर टू डिफरेंट वराइटीज ऑफ द सेम स्पेशीज होंगे, उनका जो प्रोटोप्लाज्म है उन्हें फ्यूज किया जाता है और फिर उसे टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उसमें कुछ सुपेरियर क्वालिटीज है या नहीं, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्निक्स है प्लांट ब्रीडिंग के, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है जिसकी बदौलत न्यू वराइटीज प्रोड्यूस किए जा सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग इस फील्ड में। ओके, तो हम प्लांट ब्रीडिंग की जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं, हम स्पेशली हाइब्रिडाइजेशन इस टेक्निक के बारे में देखने जा रहे हैं। प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक बाय क्रॉसिंग द टू डिफरेंट वराइटीज और स्पेशीज, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो हम प्लांट ब्रीडिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, चलिए डिफरेंट स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। देयर आर सेवरल स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या है? नंबर वन, द कलेक्शन ऑफ जर्म प्लाज्म। सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट। With superior qualities.
थर्ड वन हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ वन ओके हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद चेकिंग देयर सुपीरियर क्वालिटीज, ओके इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टर्स. Then fourth one, marketing. Okay, तो ये जो different different steps है उसे हम discuss करेंगे. So सबसे पहला point देख लीजिए, see it is the very simple steps. जैसे कि हम ये सारे जो steps है वो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि ये इनमें जो maximum जो steps है वो सारे के सारे हमने फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज द मेंडलिज्म, मेंडलिज्म के जो स्टेप्स है उनके ये मिलते जुलते स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स आपको याद रखना है. सो नंबर वन, व्हाट इज मीन बाय कलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म यानी क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय जर्म प्लाज्म. जर्म प्लाज्म इट इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स इन पर्टिकुलर स्पेशीज, ओके okay? या फिर आप द सम टोटल ऑफ ऑल द ट्रेड्स ऑफ द वन स्पेशीज उसे हम जर्म प्लाज्म कहते हैं. जैसे कि हमारे यहाँ पर कई सारे राइस के वैरायटीज है, ओके इजंट इट, कई सारे राइस के वैरायटीज है. इंडिया के सारे राइस के जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है उनके डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, तो इन सभी के कलेक्शन को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं. ओके उन सभी का सिलेक्शन करना, उन सभी को इकट्ठा करना, उन सभी को स्टोरेज कर रखना, तो उस कलेक्शन को हम जर्म प्लाज्म कहते हैं. जर्म प्लाज्म इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द ट्रेड्स फॉर सिलेक्टेड स्पेशीज, ओके तो दैट इज नोन एज द जर्म प्लाज्म. और जर्म प्लाज्म जो है इसका जो कंजर्वेशन किया जाता है दो तरीके से किया जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन एंड इन सीटू कंजर्वेशन. ओके एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स ex-situ conservation of the germplasm, it is carried out in a botanical garden, okay? In botanical garden वगैरह वगैरह, ठीक है? Botanical garden में या फिर field में उस germplasm का साल हर साल दर साल जो है उसके जो seeds होते हैं उसे select कर उसको store कर रखा जाता है, okay? या फिर seed bank होती है जहाँ पर different different varieties के seeds जो होते हैं, ओके जीन बैंक या फिर सीड बैंक जो होते हैं, सीड बैंक वहां पर जो सीड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के उन्हें स्टोर कर रखा जाता है, ताकि भविष्य में अगर किसी प्लांट्स अगर कोई एक्सटिंक्ट हो जाता है तो उसके सीड्स जो है वो इस सीड बैंक के द्वारा अवेलेबल करवाए जा सकते हैं, सीड बैंक, ठीक है? तो याद रखिए, तो दीज आर द एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जर्म प्लाज्म. ओके नेक्स्ट वन, इन सीटू कंजर्वेशन, व्हाट इज मीन बाय इन सीटू कंजर्वेशन. The conservation of that plant naturally in forest, okay? Forest या फिर जो भी natural उस plant का जो area है, वो जो plant है, उसका germplasm जिस natural area में grow हो सकता है, वहाँ पर naturally उसकी growth जो होती है, वहीं पर उसका protection करना, उसे conserve करना, उसे हम in situ conservation कहते हैं. So that is the collection of germplasm, okay? So जर्म प्लाज्म जो है उसका ये, ओके दैट इज द कलेक्शन ऑफ द जर्म प्लाज्म. नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन और ऑफ प्योर पेरेंट्स फॉर द सिलेक्टेड सुपीरियर कैरेक्टर्स. जैसे कि हमने आपको बताया, अब सेकेंड स्टेप देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट्स विद देयर सुपीरियर ट्रेड्स. ओके तो सेकेंड प्रोसीजर में हमारा क्या मकसद है, हमारा यह मकसद है कि एक ही प्लांट में सभी सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक आ जाए. सपोज एक प्लांट है जिसमें हाई यील्ड है, ओके एक पेरेंट है जिसमें हाई यील्ड क्वालिटीज है मगर उसमें डिसीज रेजिस्टेंस नहीं है, और दूसरा एक प्लांट है जिनमें लो यील्ड है मगर डिसीज रेजिस्टेंस पावर है, ओके तो ये दो डिफरेंट वैरायटीज जो है वो एक ही स्पेशीज के दो डिफरेंट जो वैरायटीज है उन दोनों को क्रॉस कर हम ये जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर एक ही स्पेशीज में ला सकते हैं, यानी हाई यील्ड वैरायटीज और साथ ही साथ डिसीज रेजिस्टेंस. ये जो दो कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर सुपीरियर कैरेक्टर यहाँ पर है,
दूसरा सुपीरियर कैरेक्टर डिसीज रेजिस्टेंस वो दूसरे वराइटीज में है। तो इन दोनों वराइटीज को क्रॉस कर हमारा मकसद है कि ऐसे सुपीरियर दो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर जो है वो एक ही प्लांट स्पेसीज में लाया जाए। सो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट विथ सुपीरियर ट्रेट, तो सुपीरियर ट्रेट वाले जो पेरेंट्स है उसे हम सेलेक्ट करते हैं। ओके और ये इनके जो सुपीरियर इनके जो सुपीरियर ट्रेट है, ये सुपीरियर ट्रेट जो है वो whether these traits are pure or not, it is checked by selfing these pure parents by consecutive three selfing generation for selfing for three generation, तीन generation के लिए हम उसे selfing करते हैं और फिर इन selected parents की जो purity है उसे check कर लेते हैं। Okay, so this is the second important step. The third one is hybridization. Hybridization. Okay. अब आफ्टर दिस टू वराइटीज दे आर क्रॉस, इनमें से एक को हम फीमेल मानेंगे और दूसरे को मेल मानेंगे। एंड द पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल इट इज डस्ट ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पेरेंट। ओके और ये डस्ट होने के बाद यहाँ पर जो सीड सोविंग होगी, दिस सीड्स दे आर कलेक्टेड एंड दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड। फोर्थ स्टेप, दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द सेलेक्टेड कैरेक्टर्स। ओके इन सीड्स को जो है कलेक्ट किया जाता है, इनकी सेल्फिंग की जाती है। आफ्टर सेल्फिंग उनके जो जो कैरेक्टर हमारे जो कैरेक्टर हमने सेलेक्ट किए थे सुपीरियर वराइटीज में, सुपीरियर पेरेंट्स में, जैसे कि हाई यील्ड वराइटीज एंड डिसीज रेजिस्टेंस, ऐसे जो कैरेक्टर है जो हम इस F1 प्लांट में लाना चाहते हैं, वो इस F1 प्लांट में आए हैं या नहीं, उस F1 प्लांट को हम सेल्फिंग करेंगे। और सेल्फिंग करने के बाद वो कैरेक्टर F2 जनरेशन में आए हैं या नहीं उसकी एनालिसिस हम करते हैं। ओके फिर आफ्टर सेल्फिंग द F2 प्लांट दे आर चेक्ड इवैल्यूएटेड वेदर द सिलेक्टेड कैरेक्टर्स वेदर दे आर ट्रांसफर इनटू द F1 जनरेशन और नॉट। इस F1 जनरेशन को हम सेल्फिंग करेंगे और F2 जनरेशन में हम चेक करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि जो सिलेक्टेड सुपीरियर कैरेक्टर्स है वो इस F2 जनरेशन में आए हैं या नहीं। सो उसकी एनालिसिस करोगे। ओके साथ ही साथ उसकी टेस्टिंग करेंगे। इफ दीज कैरेक्टर्स इफ दे आर प्रेजेंट हियर इन F2 जनरेशन, तो आपको पता है F2 जनरेशन में जो है होमोजाइगस, हेटरोजाइगस और साथ ही साथ फॉर एग्जांपल आप सभी को पता है यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, देन रिसेसिव और हेटरोजाइगस डोमिनेंट। तो इस तरह के जीनोटाइप जो है वो इस F2 जनरेशन में हमें मिलते हैं। उनमें से हमें क्या करना होता है, हमें ये वाले जो डबल डोमिनेंट जो कैरेक्टर है, ओके हमने दो डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे डिसीज रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड वराइटीज, तो F2 जनरेशन में जो भी प्लांट मिले हैं उनमें हमें इन तीन डिफरेंट जीनोटाइप में से डबल हेटरोजाइगस जो है उसे उसे चेक करना होता है। तो इन F2 जनरेशन इफ द कैरेक्टर बोथ दिस कैरेक्टर इफ दे आर प्रेजेंट देन दैट कैरेक्टर्स द जीनोटाइप फॉर दैट कैरेक्टर में बी हेटरोजाइगस और होमोजाइगस। तो उन सभी के सीड सेलेक्ट किए जाएंगे जिनमें सुपेरियर कैरेक्टर्स नजर आएंगे, उन्हें सेल्फिंग किया जाएगा और फिर सेल्फिंग करने के बाद उनके जो भी कैरेक्टर्स है वो थर्ड जनरेशन में आए हैं या नहीं उसे चेक करेंगे। और जिस जिस जिसमें वो कैरेक्टर आए वो सीड्स लेकर उन्हें और थ्री जनरेशन तक कॉन्सिक्यूटिव क्या किया जाएगा, कॉन्सिक्यूटिव सेल्फिंग की जाएगी। और जिस कैरेक्टर में हर जनरेशन में ये डबल डोमिनेंट कैरेक्टर्स नजर आएंगे उन सभी को हम प्योर वराइटीज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ओके मीन्स प्योर हाई यील्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंस वराइटीज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये सारी चीजें अगर चल जाती है, इफ ऑल दिस टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन इफ इट इज सक्सेसफुली अप्लाइड देन द फोर्थ स्टेप दैट इज द मार्केटिंग ऑफ दीज प्लांट वराइटीज इज कैरिड आउट। तो उस प्लांट को मार्केट में लाया जाता है, उसे उस प्लांट वराइटीज का जो है सर्टिफिकेशन किया जाता है। उसे एक नई वैरायटीज या फिर हाई यील्ड वैरायटीज एंड डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी का उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर जो हमारी फूड क्वालिटीज वगैरह जो भी है
उन फूड क्वालिटीज कमीशन वगैरह जो भी है, इन सभी के पास उसकी टेस्टिंग वगैरह कर कर फिर उसे मार्केट में लाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो आज जो है हमने देखा प्लांट ब्रीडिंग इस टेक्निक के द्वारा हम दो डिफरेंट वराइटीज के कैरेक्टर एक ही स्पेशीज एक ही प्लांट में लेकर इंक्लूड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या दो डिफरेंट स्पेशीज के जो सुपीरियर क्वालिटीज है वो भी हम एक ही प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो इंटरवराइटल हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। इंटरवराइटल मीन्स द क्रॉसिंग बिटवीन टू डिफरेंट वराइटीज ऑफ द सेम स्पेशीज, या फिर इंटर इंटर स्पेसिफिक